ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के एक्सप्लेनेशन के लिए कई क्लासिकल थ्योरीज दी गई लेकिन कोई भी थ्योरी इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ऐसे में प्लैंक ने एक न्यू रेडिएशन लॉ प्रपोज किया जो इस कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई प्लैंक के रेडिएशन लॉ में ऐसा क्या है जो इस कर्व को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रही प्लैंक रेडिएशन लॉ रेलिजेंस रेडिएशन लॉ में मॉडिफिकेशन का रिजल्ट है रेलिजेंस रेडिएशन लॉ के फाइनल एक्सप्रेशन पर ध्यान दें तो इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट रेडिएशन के मोड को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड पार्ट ईच मोड के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी को इस एक्सप्रेशन का यह सेकेंड पार्ट पार्टीशन ऑफ थियोरम पर बेस्ड है जिसके अकॉर्डिंग ऑसिलेटर चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें उसकी एवरेज एनर्जी के टी ही रहेगी प्लैंक ने सालों से चले आ रहे इस थ्योरी के अगेंस्ट जाकर कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है उनका कहना था कि अगर ऑसिलेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और एक बहुत स्मॉल नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगी यह नंबर एक कॉन्स्टेंट है जिसे कुछ सालों के बाद उन्हीं के नाम पर प्लैंक कॉन्स्टेंट नाम दिया गया इस तरह ऑसिलेटर की एनर्जी के ना होकर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है अगर कैविटी में एक से ज़्यादा रेडिएशन है और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो एवरेज एनर्जी के लिए प्लैंक ने मैक्सवेल बोर्डमैन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हुए सभी रेडिएशन की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की जो यह आई प्लैंक ने इस एवरेज एनर्जी से रेलिजिस् लॉ के एवरेज एनर्जी को रिप्लेस किया तो उन्हें एनर्जी डेंसिटी की एक नई इक्वेशन मिली इसके अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी न केवल फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है बल्कि फ्रीक्वेंसी की एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी है इस इक्वेशन को प्लैंक रेडिएशन लॉ नाम दिया गया इस रेडिएशन लॉ को वेवलेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं इस एक्सप्रेशन में वेवलेंथ के दो टर्म हैं वन ओवर लैमडा क्यूब और लैमडा की एक्सपोनेंशियल टर्म सबसे पहले वन ओवर लैमडा क्यूब का कर्व ड्रॉ करें तो यह कुछ डिक्रीजिंग नेचर का कर्व बनाता है वहीं लैमडा की एक्सपोनेंशियल टर्म का कर्व एक इंक्रीजिंग कर्व बनाता है दोनों ही कर्व टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू के लिए ड्रॉ किए गए हैं जब दोनों कर्व को मर्ज कर देते हैं तो लो वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी लेमडा की एक्सपोनेंशियल टर्म के कर्व को फॉलो करती है क्योंकि इस वेवलेंथ पर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेटिंग है लेकिन वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ वन ओवर लेमडा क्यूब टर्म का इफेक्ट बढ़ने लगता है और एक्सपोनेंशियल टर्म का इफेक्ट घटने लगता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये दोनों टर्म इक्वली इफेक्टिव हो जाते हैं इस वेवलेंथ पर ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करती है इस वेवलेंथ को पीक या डोमिनेटिंग वेवलेंथ कहते हैं वेवलेंथ को और इंक्रीज करने पर वन ओवर लैमडा क्यूब टर्म डोमिनेटिंग होने लगती है और एक्सपोनेंशियल टर्म का इफेक्ट घटने लगता है जिससे ओवरऑल रेडिएशन टर्म डिक्रीज होने लगती है इस तरह प्लैंक रेडिएशन लॉ पूरे ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है